नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित बनवाल, 5 ईयर स्ट्रगल से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं सेंटर पे लाइव हूँ, ठीक है। मेरा ये सेंटर है, ठीक है। मेरा पेपर अभी आने वाला शिफ्ट में 3:30 बजे, लेकिन मेरे एक फ्रेंड है, उनका पेपर अभी था, तो चलिए आपसे उनसे लाइव रिव्यू लेते हैं, पूछते हैं कैसा रहा पेपर उनका अटेम्प्ट कर। हाँ तो बताइए कैसा था पेपर आपका SBIPO का, कौन सा शिफ्ट में था? थर्ड शिफ्ट में था। अच्छा बताइए कैसा पेपर था और आपके अटेम्प्ट क्या रहा है? पेपर तो इजी था, ज़्यादा मेरा अटेम्प्ट 70 था। 70 अटेम्प्ट किए हैं। मैथ्स में कितना अटेम्प्ट हुआ आपका? मैथ्स में 20 20 और रीजनिंग में? रीजनिंग में 18 18 और इंग्लिश में? इंग्लिश में 30। तो मैथ्स में क्या क्या आया था? मैथ्स में आपको करना है कि जो क्वेश्चन आपसे जल्दी से बन जा रहा है। हाँ वो सब बना नहीं, आया क्या क्या था? जैसे कि सीरीज आया था। हाँ सीरीज आया। कितना? 5। हाँ, क्वाड्रेटिक आया था। हाँ, क्वाड्रेटिक कितना आया था? 5। DI कैसा था? DI में आपको DI ज़्यादा इजी रहेगा। DI आपको जो क्वेश्चन क्वांट में जल्दी जल्दी बन जा रहा है वो बन जाए तुरंत DI में चल। ठीक है। DI में वैसे टाइम भी सब कैसा? टेबुलर DI था। टेबुलर DI था। अच्छा कितना? 5 क्वेश्चन किया आप DI में? 5 से 7 क्वेश्चन एक DI में। और टोटल कितना DI था? 2 DI था। अच्छा वाला टफ है, पहला वाला जो फर्स्ट DI देखो क्वाड्रेटिक भी था, मतलब 5 क्वाड्रेटिक था, 5 सीरीज था, 2 DI था, बाकी अरिथमेटिक था। अच्छा रीजनिंग में क्या था? रीजनिंग बताइए। रीजनिंग में तो आपको मतलब आपसे मिस्टेक हो सकता है कि क्वेश्चन पढ़ने में कहीं, लेकिन ऐसे रीजनिंग सब इजी है तुरंत। पजल कितना था टोटल? पजल 2-3 होंगे। 3 पजल। सर्कुलर था? नहीं सर्कुलर नहीं था। कौन कौन सा पजल था अगर याद है कुछ बताइए तो थोड़ा याद करिए। अच्छा फ्लोर वाला पजल? फ्लोर वाला था। फ्लैट फ्लोर? नहीं सिर्फ सीधा फ्लोर। अच्छा लाइन पजल? लाइन मतलब ये स्ट्रेट वाला जो आता है, स्ट्रेट लाइन वाला पजल? हाँ स्ट्रेट लाइन वाला। अच्छा मतलब 3-4 पजल। हाँ, था। और क्या था? सिलॉक्स? नहीं इनइक्वालिटी? इनइक्वालिटी था। अच्छा कितने अटेम्प्ट हुआ आपके रीजनिंग में? रीजनिंग में तो और ज़्यादा मेरा तो उतना अच्छा नहीं गया, 18-20 तक है, लेकिन रीजनिंग में आप जल्दी जल्दी करें तो अच्छे हो। अच्छा और इंग्लिश का बताइए, इंग्लिश में क्या क्या? इंग्लिश में तो आपका इजी मॉडरेट है। टोटल कितने क्वेश्चन किए आपने? 13 किए, यानी कि आपने रीजनिंग में 18, इंग्लिश में 13 और क्वांट में 15-16 किए, तो टोटल कितने हुए? 70। अच्छा ठीक है। अच्छा और मतलब ठीक है, चलिए तब आपके आपको बेस्ट ऑफ लक। ठीक है चलिए।